मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक सुपर डायमा केसिंग के बारे में। आपने देखा होगा पैनासोनिक एसी की जो मैक्सिमम रेंज है वहाँ पे सुपर डायमा केसिंग देखने को मिलती है। एक बार नजर डालते हैं अगर सुपर डायमा केसिंग नहीं है तो क्या क्या चैलेंजेस को कंज्यूमर फेस करता है। ओके, तो सबसे पहले जहाँ पे सुपर डायमा केसिंग नहीं होती वहाँ पे व्हाइट केसिंग वाला जो है आउटडोर यूनिट यूज किया जाता है। तो जो व्हाइट मटेरियल होता है उसका मतलब है पाउडर कोटेड मटेरियल, पीसीएम मटेरियल से वो बनाया जाता है। पीसीएम मटेरियल की दिक्कत ये होती है कि जैसे उसके ऊपर धूल मिट्टी या बारिश आती है या ड्यू आता है तो वो उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बार जब रस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो अंदर की मशीनरी या जो भी टेक्नोलॉजी है, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसिंग कोयल हो गया, वो एक्सपोज हो जाता है। जब जंग वहां पहुंच जाती है तो फिर हमें बार बार सर्विस की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर आता है, चेक करता है कि क्या इशू है इसी के अंदर। पैनासोनिक इन सब सवालों का जवाब लेके आया है जिसका नाम है सुपर डायमा केसिंग। यहाँ पे जो है ये जो मटेरियल है ये 100% रस्ट फ्री है, इसमें कोई रस्टिंग नहीं होती है। ये खासतौर पे वो मटेरियल है जिससे समुद्री जहाज बनाए जाते हैं और आपने रोड्स पे हाईवे पे बिजली के खंभे या बिजली के पोल देखे होंगे जिस मटेरियल से वो बिजली के पोल या फिर समुद्री जहाज बनाए जाते हैं, ठीक वही मटेरियल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये भी रस्ट फ्री है, 100% रस्ट फ्री है और हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, इसके 5 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है वो है एल्यूमिनियम, सिलिकन, मैग्नीशियम और जिंक को मिला के हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से ये रस्ट फ्री बॉडी बनी रहती है और इसमें ये आज आपको नया दिख रहा है, 5 साल या 10 साल बाद भी देखेंगे तब आपको ये एज इट इज ऐसा ही देखने को मिलेगा। थैंक यू।